स्क्रीनिंग के लिए PHL इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, प्रीमियर हैंडबॉल लीग, और बहुत सारे सवाल होंगे और आपके प्रश्न के जवाब भी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको यहाँ लाइब्रेरी में आने का? बहुत ही अच्छा लग रहा है एज ऑलवेज। यहाँ की पूरा कंट्री, पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ाई कर रही है, यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज सेफ फील होता है। थैंक यू। और इंडिया में एक रिलीजन है जिसे हम कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट को किसी बंदे की सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन हमारे जो एथलीट्स हैं ना, हमारे इमर्जिंग स्पोर्ट्स में ग्लोबली, इंटरनेशनली, नेशनली इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उनको जो बढ़ावा मिलना चाहिए वो नहीं होता है। हैंडबॉल एक ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना है कि हम अगले ओलंपिक्स तक ज़रूर पहुँचे, और ये सब चीज़ों की तरफ फेडरेशन के साथ मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इस स्पोर्ट की पॉपुलैरिटी इंडिया में ग्रास रूट लेवल पर इतनी है और ग्लोबली इतनी है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट ना हो या इन्स एरिया ना हो, हम चाहते हैं कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम बात भी आगे आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत पॉपुलर है और रूरल एरिया में बहुत लोग खेल रहे हैं, बनने लगी है, तो हमें आगे सर तो हम बास्केटबॉल भी खेले हैं, बैडमिंटन भी खेले हैं, और अब तो हैंडबॉल के आगे हैंडबॉल खेलेंगे हम जयपुर में। बिल्कुल कुछ तो सीक्रेट रखिए, रिवील बाद में होगा धीरे धीरे करके। मेरा काम है पूरा मार्केटिंग और सेल्स और एसोसिएशंस क्रिएट करना, तो काफी सालों से हम स्पोर्ट्स के एरिया में थोड़े बहुत खेल रहे हैं, लेकिन ये मनु अग्रवाल का विजन था जब इन्होंने असीम मर्चेंट और वेरियस ऐसे लोगों को जिनके भी विजन थी इमर्जिंग स्पोर्ट्स से जुड़े और इसको स्टिच करना, तो इनकी टीम में मैं आई हूँ, तो ये सवाल उनसे आना चाहिए। हैंडबॉल हमारी एक ओलंपिक स्पोर्ट है ग्लोबली, इंडिया में एक प्रायोरिटी ओलंपिक स्पोर्ट है। हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पे खेलते हैं, फेडरेशंस को ने बहुत सपोर्ट किया है और धीरे धीरे करते बहुत बढ़ावा मिला है हमारे एथलीट्स को, लेकिन आपका सपोर्ट अब ये मुकाम पे आ गए जब आपका सपोर्ट चाहिए होगा हमारे एथलीट्स को, और वही विजन के साथ हम लोग इधर आए हैं। क्योंकि हमारा जो फ्लैगशिप सीजन होगा इस साल, जिसकी डेट्स हम अभी डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में होगा, वो जो है उसके सारा बैक एंड प्लानिंग करने आए हैं। अब इतना सपोर्ट मिल रहा है, शिकावत सर हैं यहाँ पे हमारे साथ, आप लोग हमारे एथलीट्स को ज़रूर बढ़ावा देंगे हमें मालूम है, तो ये सारा काम, ये सब चीज़ें एक इमर्जिंग स्पोर्ट को हम आगे पुश करने के उससे आए हैं, विजन से। इसके बारे में मैं फिलहाल इतना बोल पाऊंगी कि डेट्स फिलहाल लॉक नहीं हुई है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ही होगा, गवर्नमेंट परमिशन के साथ ही होगा। ऑब्वियसली सबका सपोर्ट और ये सब परमिशन मिलने देने ही आए हैं। पहले सीजन में हम 6 टीम्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, वो टीम्स भी हम कुछ टाइम बाद ही रिवील करेंगे, लेकिन मोटा मोटा मुद्दा ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो पैन इंडिया हैं। इस साल अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं ला सकते, पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से लड़ाई कर रही है, लेकिन हो सकेगा तो जब ये सब ईज होगा, अगर होगा तो वो ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। लीग के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो खासियत है, ये सब चीज़ें जब हम अगली बार कुछ 2-3 हफ्तों में या 1 महीने में वापस आएंगे सब परमिशन वगैरह लेके, तो अच्छा लगेगा आपको खुल के बताने में, क्योंकि फिर सब कुछ सैंक्शन हो गया होगा अच्छी तरह से। फिलहाल मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और आपको इन्फॉर्मेशन लूँ, फिर चीज़ें ऊपर नीचे हो, वो अच्छा नहीं लगता स्पोर्ट्स के लिए।